पुरुष आयुक्त लाए 20 साल का प्रस्ताव कांग्रेस के राज्य में। हमारा ये प्रस्ताव था पुलिस आयुक्तालय का कि हमको थाने पुलिस कमिश्नर के साथ जोड़ा जाए, ना कि वसई विरार के साथ, क्योंकि ज्योग्राफिकली वसई में जाना हमको ज्यादा लंबा पड़ेगा बनिस्बत थाना के, क्योंकि जब मेट्रो अगर थाना मीरा भयंदर चालू होगी 5 साल के बाद 10 साल के बाद तो यहाँ से आदमी को थाना जाना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। अब क्या किया इस सरकार ने कि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट आपकी थाने और पुलिस कमिश्नरेट आपका वसई विरा, मतलब पालघर डिस्ट्रिक्ट, ये कोई सेंस बनता है? ये सरकार का निर्णय है। तहसीलदार कार्यालय पिछले विधानसभा में अनाउंस किया कि हम तहसीलदार कार्यालय देंगे, कल पेपर में पढ़ा हमने आमदार बोलते हैं हम एडिशनल तहसीलदार की पत्र यहां पे निर्वृत्ति हमने की है, मतलब आपने चॉकलेट मांगा तो आपको चॉकलेट का कवर हाथ में दे दिया। उत्तर का पुलिस स्टेशन सागरी आयुक्तालय का हमारे रिजिम में बन चुका है, पुलिस स्टेशन अस्तित्व में है, अब खाली उसकी बिल्डिंग की फीत काटेंगे। तो ये अब मुख्यमंत्री साहब आएंगे, जो जो कामों का आश्वासन 2014 में दिया है वो फिर से देंगे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि 2014 में बीजेपी ने कहा था कि मुंबई के एंट्री पॉइंट्स के टोल हम निकाल देंगे, कितने लोग जानते हैं इस बात को? जानते हैं ना आप लोग? मीरा भयंदर का टोल निकला है क्या आज तक? अभी इलेक्शन आया तो गोपाल शेट्टी साहब खासदार ने कहा कि हम उसको शिफ्ट करेंगे। कहां शिफ्ट करेंगे? वो जो अक्टा इलाका था ना वहां शिफ्ट करेंगे। टोल निकालने का वायदा था, टोल तो निकाला नहीं आपने, टोल बढ़ा दिया, और अब आकर के फिर से क्या भाषण करेंगे कि हम टोल अक्टा इलाके में शिफ्ट करेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों को देखना होगा, जनता को, कि क्या वायदे 2014 में किए गए थे और 2019 में कौन से वायदे पूरे हुए हैं, कि फिर से आकर के सिर्फ भाषण होगा, भूमि पूजन होंगे, उद्घाटन होगा और उसके आगे कुछ नहीं होगा।